जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश परसों यानी 21 जून को ग्रहण है और साल के सबसे लंबे दिन पर यह ग्रहण पड़ रहा है जो ग्रहण काल है वो भी काफी लंबा है सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होकर करीब साढ़े तीन बजे तक रहेगा साढ़े बारह बजे के आसपास पूर्ण ग्रहण होगा तो इस ग्रहण काल में हम लोग बहुत तरह की साधनाएँ कर सकते हैं आज मैं आपको तीन साधनाएँ बताऊँगा देखो ग्रहण काल में अल्प समय में ज़्यादा लाभ लेने का तरीका ये है कि ग्रहण में जाप के साथ साथ हवन चलता रहे ठीक है बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग ना करते हुए सीधे हवन करना चाहिए इसीलिए मंत्रों को पहले याद कर लो ग्रहण काल ज़्यादा उपयोगी उन लोगों के लिए होता है जिनका पूर्व में मंत्र सिद्ध हो और वो चाहते हैं उस मंत्र का प्रयोग करना तो प्रयोग करने के लिए ऐसा सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा होता है तो अगर आपका कोई पहले का मंत्र सिद्ध है तो उसको भी आप इस सूर्य ग्रहण में प्रयोग करके देख सकते हैं तीन साधनाएं है, अभी हम आपसे साझा करेंगे कौन कौन सी तीन साधनाएं हैं एक है महालक्ष्मी की साधना ठीक है इस साधना को आप करेंगे तो हमेशा आपको धन जो है उसकी कमी नहीं होगी पूरे जीवन में इस साधना का आपको एक करोड़ जाप करना है लेकिन उस दिन जिस दिन आप साधना कर रहे हैं इस ग्रहण काल में आपको 900 सौ जाप इस मंत्र का करना है और उसके साथ साथ आपको हवन करना है हवन आप किस चीज़ का करेंगे तो लौंग का साथ में काला तिल और गूगल इसमें आप मधु मिला करके और उसके बाद 900 सौ बार आहूति देंगे मंत्र क्या रहेगा मंत्र रहेगा दो बार पढ़ के बताऊंगा लक्ष्मी साधना के लिए मंत्र है ओम एम ऐ्रृं श्रीं हसोम श्री एम ह्री क्लि सह ओम एम ह्री क्लिम श्रिम फिर से सुनिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ ओम एम ह्री श्रिम हसोन श्रिम एम ह्रृं क्लि सहो सह, ओम एम ह्रीम क्लिम श्रिम ठीक है तो ये जो लक्ष्मी साधना करेंगे उनके लिए मंत्र है इसके बाद एक साधना है जिसको कहते हैं धनदा साधना मतलब इसको करने से धन की बहुत सारी प्राप्ति होती है इस साधना को आपको चौदह सौ बार जाप करना होगा जब मैं जाप बोल रहा हूँ ग्रहण काल में तो ये समझ लेना है कि इसका हवन होगा सीधे ठीक है इसका हवन आप घी और मधु को मिलाकर करेंगे ठीक इस मूल मंत्र को पढ़ने से पहले चौदह सौ बार जो आप आहुति देंगे उससे पहले आपको चौबीस बार गायत्री मंत्र पढ़ना है उसके बाद ही इसका आप हवन शुरू करेंगे मंत्र सुनिए दो बार बोलूँगा ओम रम श्रिम ह्रीम धम धन दे रति प्रिय स्वाहा फिर से सुनिए ओम रम श्रीम ह्रीम धम धन दे रति प्रिय स्वाहा अब आप सोचिएगा कि दोनों मंत्र में क्या अंतर है जो पहला मंत्र मैंने बोला वो भगवत मंत्र है वो माहा माँ भगवती महालक्ष्मी का मंत्र है ये मंत्र बहुत विस्तृत भी है ये एक साबर मंत्र में भी ये मंत्र का प्रयोग किया गया है लेकिन इसका सिर्फ मूल जाप से ही बहुत लाभ होता है तो धन की जो प्राप्ति है वो हमेशा आपके पास आती रहेगी जब महालक्ष्मी की बात करते हैं हम धन के रूप में तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज मैटेरियल नॉलेज और जो आपको फिजिकल बॉडी में नीड है उसको भी पूर्ण करती है लेकिन जब धंधे प्रिया की आप साधना करते हैं तो ये धन दिलवाने में जैसा आप बिल्कुल ही आपको धन की कमी हो गई है तो धन दे रतिप्रिया साधना करनी चाहिए इससे क्या है जो रुका हुआ धन है वो आ जाता है इस मंत्र को पूरे जीवन में एक करोड़ जाप आप करेंगे ठीक है और जिस दिन ग्रहण है ग्रहण काल में चौदह सौ आहुति देंगे जो तीसरा मंत्र है उसको पंच महामंत्र बोला जाता है ठीक है इस मंत्र को ऐसे लोग करेंगे जिनको सिर्फ धन नहीं चाहिए जीवन में मान प्रतिष्ठा सुख समृद्धि भी चाहिए ऐसे लोग जिनको विद्या भी चाहिए थोड़ा धन भी चाहिए और लाइफ को बैलेंस चलाना चाहते हैं उनके लिए ये साधना है इसमें हवन सामग्री वही रहेगी सिर्फ जो पहले हवन और इस हवन में ये अंतर रहेगा कि इसमें तिल का प्रयोग नहीं होता है तो आप लौंग का प्रयोग कर सकते हैं गूगल का प्रयोग कर सकते हैं मधु का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है इन तीन चीज़ों को मिला करके आप हवन सामग्री बनाएंगे ठीक है और जो नारियल का कोपर होता है हवन उसमें होगा ना कि लकड़ी पे होगी इसका आपको 1100 सौ जाप करना है ग्रहण काल में और रोज इसका एक सौ आठ जाप करना है तो पूरा जीवन जो है वो सही चलता है मंत्र मैं बता रहा हूं मंत्र है ओम धीम श्रीम ह्रीम क्लिम ओम धीम श्रीम ह्रीम क्लिम ये पांच अक्षर का मंत्र है जिसमें ओम है तो ओम शिव शक्ति का स्वरूप है जहाँ से ब्रह्मांड उत्पन्न भया धीम सरस्वती यानी वाग देवी का मंत्र है तो इससे ज्ञान आता है फिर श्रिम है श्रिम महालक्ष्मी का मंत्र है क्लीम ये मंत्र है महामाया का, काली का ठीक है तो ये सारे मंत्रों को जब आप मिला के आप करते हैं तो आपके लाइफ में एक बहुत ही बैलेंस्ड ग्रोथ होता है ठीक तो तीन बहुत ही सहज साध साधनाएँ आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो आप आने वाले अमावस्या में कर सकते हैं जिस दिन सूर्य ग्रहण भी है ठीक है एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि दो साधना तीन साधना ऐसा मत करिएगा एक स्थान पर एक ही साधना होता है तो साधना आप जब भी करेंगे तो इन तीनों में से एक कीजिएगा ज़्यादा लालच करने से जो मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता है ठीक तो धंधा प्रिया कर सकते हैं लक्ष्मी साधना कर सकते हैं या पंच मंत्र पंच महामंत्र की आप साधना कर सकते हैं आज के लिए इतना ही को बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ सकते हैं वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्रहस्य डॉट कॉम उस वेबसाइट पे जाइएगा तो अपॉइंटमेंट सेक्शन उसमें आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फ़ोन पे डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए उस पर रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा उस पर आप उनसे बात कर सकते हैं माँ भगवती देवी लक्ष्मी आप लोगों पे कृपा बरसाए ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश